काँग्रेस नेते कन्हैया कुमारांना पुष्पहार घालण्याच्या बहाण्याने मारहाण. ये देखिए क्या हुआ. ओ भाई ओ अरे एक मिनट भाई भाई देख सकते हैं आप लोग कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे. नंतर शाही ही फेकण्यात आली. हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीने व्हिडिओ शेअर केला. नेमकं काय घडलं जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. सविस्तर असं की काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार उत्तर पूर्व दिल्ली मतदारसंघातनं लोकसभेच्या रिंगणात उतरले आहेत. या भागात प्रचारादरम्यान त्यांच्यावर हल्ला झाला. एका युवकाने अगोदर त्यांना फुलांची माळ घातली आणि त्यानंतर कानशिलात लगावली. यावेळी दुसऱ्या तरुणाने त्यांच्या अंगावर शाई फेकली. आश्चर्याची बाब म्हणजे ही घटना घडवणाऱ्या दोन्ही तरुणांनी या घटनेनंतर एक व्हिडिओ जारी केला आहे. जय श्रीराम भाई जय गो माता की. जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है. ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा. दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है. चौथे पुश्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुश्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है. जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई. मेरा सर भाई देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे. ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है. इसका इलाज कर दिया है. आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को. बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया. जितने भी आर्मी के जितने भी जवान भारत माता की जय का बदला लिया जी. इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय. जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ भारत माता की जय. सदर घटनेवर बोलताना मात्र कन्हैया कुमार यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली. हे साहब, गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए. हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है. आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए. हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है. हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं. जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे.